राम नगरी अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर देश भर में तमाम तरह की तैयारियां चल रही है। बता दें कि एक और जहां पर बीजेपी 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस 22 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ करने जा रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि आने वाली 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, यह काफी खुशी का माहौल है और इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल होना चाहती है। इसलिए प्रदेश भर में महिला कांग्रेस की टीम मंदिरों में भजन कीर्तन कर प्रदेश कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ भी करेगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ये क्योंकि उस दिन राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हम लोगों को लगा कि इस खुशी में हमको भी शामिल होना चाहिए, और इसलिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जो हमारी महिला कांग्रेस की टीम है वो हर जगह मंदिरों में, और हम लोग यहाँ PCC में सुंदरकांड करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और मिठाइयाँ बांटेंगे, क्योंकि राम लला की राम भगवान राम सबके हैं, वो हमारे भी हैं, और हम लोगों को लगता है कि हमको उनके प्राण प्रतिष्ठा में इसका आयोजन, सुंदरकांड का आयोजन करना चाहिए, हमें कीर्तन भजन करना चाहिए, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, तो वो कार्यक्रम हम लोग 22 तारीख को कर रहे हैं।